आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बस देखकर कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल देखकर, मतलब देखकर कैसे बता सकते हैं, साथ साथ एक मास्टरपीस फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जिसके सहायता से जैसा भी स्क्वायर हो आप बहुत जल्दी, मतलब जल्दी निकाल सकते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बोल सकते हैं ना, अगर आप मैथ पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे मैथ सीखना है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखो मतलब सवाल आते हैं, देखो मान लो आपके सामने बहुत बड़ा सवाल दिया है, बीच में कहीं ना कहीं स्क्वायर तो होगा ना। अब आप वो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे ऐसे, मान लो आपके सामने दिया गया 57 का स्क्वायर कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे 7 7 49, फिर 7 35, ऐसे फिर ऐसे। अरे ये सब तो गया, ये नहीं करना है। ये क्या कर रहे हैं, ये क्लास 10 और 12 या कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ रहे कि आप आंसर निकाल कर दे रहे। अरे ये सवाल के लिए भी आपको ऐसे करने का जरूरत है, आप सोच कर देखो। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है। क्या कर सकते हैं भैया, फिर वो देखो आपको कैसा भी स्क्वायर हो। और पूरा बेसिक क्लास चलेगा आपको शाम को 6 बजे, जैसे मैंने आप सभी को बताया है। मान लो आपके सामने दिया गया 41 42 43 44 पर इसका, या फिर इसका, या फिर किसी भी नंबर का कैसे कर सकते हैं, सब बताऊंगा मास्टरपीस फॉर्मूला के साथ। लेकिन ये दो आप याद रखना, ये और ये, अगर ये दोनों कहीं दिखे ना, या फिर आपको क्या दिखे, क्या दिखे, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ऐसा कुछ दिखे, तो आपको ना ये पेन जो है ना, पेन, ये पेन टच करने का भी जरूरत नहीं। आप ऐसे खड़ा होंगे, ऐसे बोलेंगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बस देखकर आपको बताना है कैसे करेंगे। देखो एक बार नॉर्मल समझना पहले। अब मान लो आपको 41 का स्क्वायर क्या होगा पता करना है, तो जो पहले वाला तरीका है वो नहीं करना है। करना क्या है, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है भैया, लास्ट में तो एक दिखाई दे रहा है। 41 50 से कितना कम है, कितना कम है 50 से, तो आप बोलेंगे भैया ये तो दिखाई दे रहा है 50 से ना, 41 9 कम है। जो 9 कम है उसका स्क्वायर क्या होगा, वो तो सभी को पता है 81। और जो 9 कम था ना उसको 25 से घटा दीजिए, बिल्कुल 25 से घटा दीजिए, 25 से 9 घटाएं कितना होगा 1681 हो गया। 42 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, और वो 8 को 25 से घटा दो तो कितना होगा, 25 में से 8 घटाएंगे 1764 हो गया। 43 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 25 में से 7 घटा दो 18 हो गया। 44 का स्क्वायर क्या होगा, 44 का स्क्वायर देखकर बताना है बिना पेन का, बिना पेन का, तो आप बोलेंगे भैया 6 कम है 36 आएगा, और 25 में से अगर 6 घटाए 19, अरे बाप रे क्या बात है, बहुत बढ़िया, 6 कम है 36 और 25 में से अगर 6 घटा दे तो 19 होगा। 45 5 कम है तो 5 का 25 और 25 में से 5 गया आपका 20 हो गया। 46 50 से 4 कम है, 4 कम का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और 25 में से 4 घटाओ 21 होगा। 47 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 09 लिखेंगे और 25 में से 3 घटा देंगे यानी 22 हो गया। कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, 25 में से 2 घटाओ हो गया। 49 का स्क्वायर कितना होगा, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 होता है भैया, और 25 में से 1 घटा है आपका 2401 होगा। ऐसे करना है, ये तो आप समझ गए होंगे ना भैया, फिर ये कैसे करें, अरे कुछ नहीं है ना, वही तरीका है। और मैं आपको मास्टर एक पीस फॉर्मूला बताऊंगा जिससे ना कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं 51 का बोलूं क्या होगा, अब ये 50 से कम था, ये 50 से ज्यादा है, तो 51 कितना ज्यादा है 50 से, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01। अब 25 में 1 घटा रहे थे, यहां 25 में 1 जोड़ना है, तो 25 + 1 = 26। 52 का स्क्वायर आप बता पाएंगे, अब भैया बता देंगे कि 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 25 में 2 जोड़ देना है यानी 2704 होगा भैया, बहुत बढ़िया भाई। 53 का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा भैया 3 ज्यादा है, यानी 3 का स्क्वायर 09, और 25 में से 3 जोड़े
28.9, 4 का 25 से 4 ज्यादा है, यानी 50 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 25 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो 29.16 होगा। ठीक, 55 का स्क्वायर कितना, 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, और क्या भाई, और कुछ नहीं, 25 में 5 जोड़ना है तो हो गया। 56 का स्क्वायर क्या होगा, 6 ज्यादा है यानी 36, और 25 में अगर 6 जोड़ दे तो 31 होता है, हो गया। 57 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है 49, और 25 प्लस 7 आपका 32, हो गया, ऐसे करना है। अब भैया 60 का आया, 70 का आया, 80 का आया, सब बता रहे हैं, ये तो आपको देख के बताना है, देख कर बताना, नोट्स कर लेना आप सभी। अगर 100 के नजदीक हो तब क्या करेंगे भैया, तब भी कुछ नहीं करना है, कुल आपको उधर जाना है 99 वाले में, तब क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, 98, 97, 96, 95 कैसे, बस देख करना आपको आंसर निकालना है। 100 से कितना कम है भाई, 100 से भैया जो कम है ना वो एक कम है, एक का स्क्वायर क्या होता है 0, 1। अब वो जो एक कम है, जो दिया हुआ नंबर है उससे घटा देना है, 99 में से एक घटाएं 98, 0, 1। 98 का स्क्वायर 2 कम है, 2 कम का मतलब 2 का स्क्वायर 4, और वो 2 जो दिया हुआ नंबर है उससे घटाना है, 98 में से 2 घटाएं तो 96, 0, 4। 97 का स्क्वायर, तो भैया अब तो समझ गए हैं कि 3 कम है तो 3 को स्क्वायर 9 लिखो, और जो दिया हुआ नंबर है उससे 3 घटा दीजिए, यानी यहां पर 94, 0, 9 हो जाएगा। दिक्कत है भाई किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 96 का स्क्वायर क्या होगा, 4 कम है 16, और 96 में से 4 घटाओ 92, 16, क्या दिक्कत, कुछ नहीं भैया। 95 का स्क्वायर, अरे 5 कम है तो 25, और 95 में से 5 घटाएंगे 90, 25, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 94 का स्क्वायर 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 94 में से जब 6 घटाते हैं तो 88 आता है, किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 93 में से जब 7 घटाएंगे तो 3 और 4, 86, 49 हो जाएगा। 92 का स्क्वायर करना है, अरे भैया 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 92 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 84 होगा। ठीक, 91 का स्क्वायर, अरे भैया एक ही चीज है 81, और यहां पर 91 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 82, हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब तो आपको देखकर बताना है। अब मान लो 3 डिजिट वाला भी आपको बताऊंगा, दिक्कत मत लो आप सभी। अब मान लो आपके सामने कुछ अलग आ गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो आप देखकर बता दोगे, दिमाग में बैठा लेना, पेन उठाना नहीं है, पेन नहीं उठाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आप सभी ना, आप सभी के सामने एग्जाम में दिया गया है मान लो कुछ भी, 57 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर बोल दे आप सभी से 59 का स्क्वायर क्या होगा, या सभी आपसे बोल दे 83 का स्क्वायर क्या होगा, या बोल दे कुछ भी बोल दे भाई 72 का स्क्वायर क्या होगा, भैया कुछ भी बोल दे निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लोगे, कैसे निकाल लेंगे भैया, देखो ये तो समझ गए ना, और ये जो अभी बता रहा हूं ना मास्टरपीस फॉर्मूला, इससे ये भी सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, पहले ऐसे कर लेना, पहले ऐसे एक टी बना लेना, टी, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऐसे बना लेना, ठीक है ना। अब ये 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 49 बच्चों को भी पता है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 25 बच्चों को भी पता है। अब क्या, इतना तो सभी कर लेंगे, अब क्या करना है आगे वो बता दीजिए। ये 5-7 दिखाई दे रहा है ना, इसको आपस में गुना करना है, गुना का मतलब मल्टीप्लाई करना है, यानी 7, 5, 35, और 35 को 2 से गुना करना है, कितना होगा 70, तो इस 70 को ऐसे लिख लेना है। ठीक, क्या किए, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 7, 5, 35, 35 × 70, 70 को ऐसे लिख लिए। अब क्या करना है, बस जोड़ दो ना, 9, 4, 7, 5, 12, 2, 7, 5, 12, 2, 3, 32, 49 आंसर निकल गया भाई, आंसर आप सभी का निकल कर आपकी आंखों के पास है। अब 59 का कैसे करना है, कुछ नहीं करना है भैया, ये 72 वाला मिटा दे रहे हैं, बाद में दिखाते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 5 का स्क्वायर 25,
9 5 45 45 × 2 90। अब 90 को ऐसे लिख दो, जोड़ दो, 1 8 9 5 14 2 1 3 हो गया। 83 का स्क्वायर कैसे करना है? अरे कुछ नहीं करना है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन दो डिजिट लेना है, तो 0 9 और 8 का स्क्वायर 64, 8 3 24 24 2 48। ठीक, उसके बाद 9 8 4 4 कितना होगा आपका 8 और ये 6 हो गया, कंप्लीट हो गया 6 8 8 9। कुछ है क्या सवाल में आप बताओ? कुछ नहीं है। अगर मान लो आप सभी को मैं बोलूं, यहां पर देखिएगा इसको मिटा रहे हैं सभी, ट्राई करना, अगर मान लो आप सभी के सामने बोल दिया 87 का स्क्वायर क्या होगा, अब वो तरीका मत करना कि पेन पेपर उठाकर करते रहिएगा, वैसा नहीं करना है आपको, करना क्या है, नॉर्मल 7 का स्क्वायर 49 पता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 पता है, 8 7 56 और 56 × 2 112। अब 112 कैसे लिखे भैया? ये जो लास्ट वाला नंबर है ना उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, ये फालतू का दिया गया, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, 8 7 56 56 × 2 112 तो उसको छोड़कर इधर से लिखना है 1 1 2 बस। 9 का 9 उतरेगा, 4 + 2 6 उतरेगा, 4 1 5 उतरेगा, 7 1 6 1 7 उतरेगा, ऐसे करना है। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत समझने में, कैसा भी सवाल हो? अब देख लो जो आपको मैंने ये बताया था ना वैसे निकालते हैं। मान लो 93 का निकालना है, वो तो बता दिए फटाफट, 93 का स्क्वायर निकालना है कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 09 क्योंकि दो डिजिट आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 3 27 27 2 54 ठीक है, जोड़ दो 9 4 5 1 6 और ये 8 तो 8649 आया यहां पर, 8649 से। अरे भैया काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है क्या? इसमें से कुछ एग्जांपल ले क्या, 47 को पकड़ते हैं, 47 का स्क्वायर क्या होगा, यहां पर तो 2209 आया है, ये तो समझ गए कि 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09 और 25 में से 3 गया 22। अच्छा ये वाला तरीका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 4 28 28 2 56 ठीक है, 9 उतरा, 6 4 10 उतरा, 10 का 0 उतरेगा, 1 कैरी हो जाएगा, बस जोड़ना है भाई, 6 5 11 11 1 12 और 1 2209। अरे भैया क्या बात है, बिल्कुल पूरा सेम टू सेम आ रहा है भैया। अच्छा अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ना आप सभी के पास दिया गया है 66, इसका कितना होगा? अरे तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 × 6 36 36 × 2 72 होता है भैया, 6 उतरा 3 2 5 उतरा, 7 6 13 उतरा और 3 1 4 उतरा, दिक्कत किसी को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको ना अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, जिस तरह आपको मैंने प्रतिशत करवाया सब करवा दूंगा इसी तरह। अब ना आप एक होमवर्क लेना ठीक है ना, और मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है कोई पेन पेपर नहीं करेगा, ये मैं जो दे रहा हूं आपको काम दे रहा हूं, आप कमेंट करिएगा और कैलकुलेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सीखना है यहीं पर सीखिए और बिना पेन उठाए आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 52 का स्क्वायर बताना है प्लस मान लो आपको बताना है 74 का स्क्वायर या फिर बताना है आपको 78 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर और एक देते हैं आप सभी को ये प्रैक्टिस के लिए बिना पेन पेपर के टच किए हुए, और एक 37 का स्क्वायर, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, शाम को 6 बजे रेगुलर आपका क्लास चलेगा, बिना पेन को उठाए आपको आंसर बताना है बहुत स्पीड तरीके से। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा, और मैं क्या बोलूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन तक मिल जाए, ठीक है ना। चलिए